प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। यह देश और दुनिया के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होगा। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट का काम तय समय में पूरा करने को सुनिश्चित किया गया है। देरी होने पर कंपनी और संबंधित लोगों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होगा। एयरपोर्ट के फेज वन प्रोजेक्ट की लागत 8,916 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर 4,326 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 1,334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह एक ग्रीन फील्ड परियोजना है जिसे 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले फेज का निर्माण 36 माह में पूरा करना है। पहले फेज के ऑपरेशन की अवधि 2023 से 27 तक है। पहले फेज में सालाना 1.20 करोड़ पैसेंजर्स के यात्रा करने की उम्मीद है। आखिरी फेज को पूरा होने तक यानी वर्ष 2040 से 50 के बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 7 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में बनने वाला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूपी को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य अपने आखिरी चरणों में है। एयरपोर्ट के सटे क्षेत्र में एक मेडिकल डिवाइस पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जा रही है। इस एयरपोर्ट के नज़दीक अलीगढ़ जनपद में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण महत्वपूर्ण है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तब यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भारत का पहला प्रदूषण मुक्त एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज में 10 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।